तो ये आपके पास कहाँ से आया हुआ है, ये आप देख सकते हो क्लास 10 की केमिस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की गई है। या इसी तरह आप सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने सैम्पल पेपर जो कि गिवन है पीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें से फर्स्ट 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था और आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट जो 25 एमसीक्यूज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी की वीडियो में हम बाकी के 25 एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज जो हैं कहाँ से पिक किए गए हैं, कौन सी केमिस्ट्री जो है उसको आपने तैयार करना है फॉर एमडीकैट टेस्ट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अपकमिंग वीडियोस जो भी मेरी आएंगी दैट वुड बी रिलेटेड टू एमडीकैट या नम्स। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारे पास एमसीक्यूज है दैट इज़ एमसीक्यूज नंबर 26, ठीक है, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। अगर आपने पहले 25 एमसीक्यूज नहीं देखे हुए तो आप पार्ट वन जो है इस वीडियो का देख सकते हैं। MCQs number 26 जो है, ग्रुप वन एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ग्रुप वन एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप टू के होते हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसी तरह जो कार्बन फैमिली है उनको हम चालकोजेंस कहते हैं, और जो ग्रुप एट के एलिमेंट्स हैं ना उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। अब ये जो आपके पास MCQs है दिस इज पिक्ड फ्रॉम SNP ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उसमें हम जब ग्रुप वन पढ़ते हैं तो ग्रुप वन के अंदर ये लिखा हुआ। MCQs नंबर 27 को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक इन नेचर, ठीक है, नैनहोलियम है, फिर टेलोरियम है, फिर बोरॉन है, फिर गैलियम है। तो इसमें अगर हम देखें जो बोरॉन है ये बिलोंग करता है पी ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है, सो इसको हम कहते हैं कि दिस इज नॉन मेटल इन कैरेक्टर। अब ये जो MCQs है ना ये आपके पास अगेन दिस इज फ्रॉम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री SNP ब्लॉक एलिमेंट्स। MCQs नंबर 28 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉइनेज मेटल। अब इसमें से आपने बताना है कि कॉइनेज मेटल कौन सा है। आयरन जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट में हम इसको पढ़ते हैं, बाकी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो ग्रुप होता है कॉपर सिल्वर और गोल्ड इनको हम कहते हैं कि दीज आर नॉन एज कॉइनेज मेटल। अच्छा अब ये कहाँ से लिया गया है, दिस इज टेकन फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वहाँ पे आप जब इसका सेकेंड पेज पढ़ेंगे वहाँ पे कॉइनेज मेटल के बारे में लिखा हुआ। सो MCQs नंबर 29 सेज व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो इसका जो राइट ऑप्शन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड जिनके अंदर स्मॉल प्रोपोर्शन होती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट होती है हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन की। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये ए है, और याद रखें कि ये जो MCQs है ये आपके पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर से लिया गया है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वहां पे आप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो वहां पे जो है ना आपको ये MCQs मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मूला ऑफ ईस्टर। अब ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपके पास होता है RCOOR, ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईस्टर। अब याद रखें कि ये जो हमारे पास MCQs है ना ये अब लिया गया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, जहां पे हम लोग ईस्टर्स को पढ़ते हैं, अल्कोहल फिनोल एंड ईस्टर्स, वहां से जो है इस MCQs को पिक किया गया है। जो पहला आपके पास है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, आपके पास ये जो नेक्स्ट है ना ये ईथर्स हैं, नेक्स्ट वन जो है ये आपके पास एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं तो द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद 30 कार्बन एटम। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जब आप जाते हो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के तो वहां पे आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है, वहां पे आइसोमेरिज्म है ना, दो टाइप के आइसोमेरिज्म है, एक आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दूसरा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो वहां से ये जो टॉपिक है आपको मिलेगा, एग्जैक्टली ये चीज तो मौजूद नहीं है लेकिन आइसोमेरिज्म जो है वो लिखी हुई है, आप उसकी टाइप्स भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू। अब एलिसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे बिलोंग्स टू कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये आपके पास कहाँ से आया हुआ है, ये आप देख सकते हो क्लास 10 की केमिस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की गई है। या इसी तरह आप सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है वहां पे भी आपको ये मिलेगा।
नेक्स्ट आपके पास है मीथेन गैस इज नोन एज मीथेन गैस, ये आपको पता होगा बहुत ही ईजी है। मीथेन गैस को हम कहते हैं मार्स गैस, ठीक है। और ये एमसीक्यूज कहाँ से पिक किया गया, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है क्लास 10th का वहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेकंड ईयर केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम जो है दैट इज हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ चेन, डबल बॉन्ड इज गिवन द लोअर नंबर। याद रखें कि दिस एमसीक्यूज इज पिक फ्रॉम द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। जब आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, वहाँ पे आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो, उस जगह से इसको पिक किया गया है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री से। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय कैक्योल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, कैक्योल स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, कैक्योल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में। हमारे पास तीन टाइप के जो है ना हाइड्रोकार्बन हैं, एक हम पढ़ते हैं अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन्स, जो चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके साथ फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो बेंजीन का होता है। तो बेंजीन में जहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उसी के साथ कैक्योल का स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है कि ये जो एमसीक्यूज है दिस इज आल्सो बीइंग पिक्ड फ्रॉम द सेकंड ईयर केमिस्ट्री। नेक्स्ट, इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड आर एक्स एक्स रिप्रेजेंट। अब एक्स जो है ये हमारे पास ग्रुप 7th ए के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कहते हैं हैलोजन्स। और इनको हैलोजन्स क्यों कहते हैं, इनको हैलोजन्स जो है इसलिए कहते हैं कि दे आर सॉल्ट फॉर्मर, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो एमसीक्यूज है ये आपके पास पिक किया गया है अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में से, ठीक है, ये भी सेकंड ईयर केमिस्ट्री से पिक किया गया है। विच कैटलिस्ट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अब याद रखो कि ये जो आपके पास एमसीक्यूज है ना, ये आप अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन से मिलेगा, या आपको ये जो है अल्कोहल का जो चैप्टर है वहाँ पे भी आपको ये चीज जो है मिलेगी। जहाँ पे आप लुकास टेस्ट पढ़ते हैं वहाँ पे ये चीज आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है, ये आपको एक मॉलिक्यूल गिवन है, एक हाइड्रोकार्बन गिवन है, ठीक है, जिसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है। कहते हैं इसको कहते क्या है, ये एक्चुअली अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड का अगर आपको नोमेनक्लेचर पता है ना तो आप इस चीज को इजीली लर्न कर सकते हो। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज 2,2-dichlorobutane। अगर आपको नोमेनक्लेचर में कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर करवा लूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है, द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर बाय अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे वाटर है ना, ठीक है, वाटर को अगर आप उसका एक जो एच है उसको अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, आप ये जो एच है इसको रिमूव करके आर लगाओगे तो क्या बन जाएगा, OH फंक्शनल ग्रुप जब किसी भी आर ग्रुप के साथ अटैच होता है तो उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज अल्कोहल्स। ये कहाँ से पिक किया गया है, ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, तो जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हो ना वहीं पे ये एमसीक्यूज आपको मिलेगा। नेक्स्ट, द अल्कोहल इन विच द कार्बन विच इज अटैच टू हाइड्रोक्सल ग्रुप इज फर्दर अटैच विद टू कार्बन एटम। अच्छा, अब ये जब आप टाइप्स पढ़ते हो, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी और इसको पिक किया गया है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर वाले चैप्टर से जो कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री में मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डज नॉट कन्वर्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। अब पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, अब यहाँ पे ये अगर आप देखें तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये आपके पास ये है, ठीक है, और ये जो एमसीक्यूज है इसको भी अगेन कहाँ से पिक किया गया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में से भी आपको मिलेगा और ये आपको अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर से भी मिलेगा जो कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में मौजूद है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी कैटलाइज्ड बाय। अब ये याद रखें कि ये आपके पास जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन पढ़ते हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स पढ़ते हो या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ते हो तो आपके पास कुछ मैकेनिज्म है, एक दो मैकेनिज्म है, एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म और बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज बोथ एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये जो है ना ये आपको अल्काइल हैलाइड से भी मिल सकते हैं, ये आपको कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वहाँ से भी, ये एमसीक्यूज जो है वहाँ से भी, ये एमसीक्यूज जो है आपको इजीली मिल सकता है दैट इज प्रेजेंट इन सेकंड ईयर केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन कैम्फर एंड मैंथोन। सो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में, जब आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हो वहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी। अच्छा जी,
सो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 44, सायनोहाइड्रिन्स व्हेन रिएक्टेड विद मिनरल एसिड प्रोड्यूस। ठीक है, सायनोहाइड्रिन है, अगर आप इनको मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। ये एमसीक्यू जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से पिक किया गया है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो इसको आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं, आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है, जो आप रिएक्शंस पढ़ोगे। कंपाउंड हैविंग दिस ग्रुप आर कॉल्ड एज, ठीक है, याद रखेंगे ये जो आपके पास होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे ऊपर एक एमसीक्यूज है, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है COOH जो है ना वो आपके पास किस लिए यूज होता है, दैट इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल के लिए OH होगा, कीटोन्स के लिए RCOR होगा, ठीक है, इस तरह फॉर एग्जाम्पल RC11O और यहाँ पे R होगा। एल्डिहाइड्स में क्या होगा कि एक साइड पे हाइड्रोजन होगा या बोथ साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, इसमें आता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड जो है, ये आपके पास एमसीक्यूज गिवन है कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर से, ठीक है, जब हम नेमिंग करते हैं वहां पे आपको ये चीज मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है विच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। अब ये नाइट्राइल्स जो हैं, ये भी आपकी बुक में गिवन है, यहाँ से जो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसिड हैविंग वन कार्बन मोर देन स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर जो रिएक्टेंट आप यूज़ करते हो तो उसमें जो है ना, इसमें एक उसके प्रोडक्ट्स में एक कार्बन जो है वो ज़्यादा ऑब्टेन होता है। अब ये जो एमसीक्यूज है, ये आपको नाइट्राइल्स के जो रिएक्शंस हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सिंथेसिस है, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे सिंथेसाइज कर सकते हो, वहां से भी आपको ये मिल सकता है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन्स। अब याद रखेंगे प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है, बाकी भी होते हैं लेकिन वो वेरी करते हैं डिपेंड अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो लाजमी हर अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, और अमीनो एसिड इन टर्न मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। विच एंजाइम इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होती है, जो आपकी बॉडी सारी येलोइश हो जाती है, जिसको हम वैसे यारकान बोलते हैं ना, आप कहते हैं कि इसके अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि हम टेस्ट अगर करें लेबॉरेटरी में तो हमारे पास डायग्नोज हम कर सकते हैं जॉन्डिस को। सो ये आपके पास है लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज वन एंजाइम, ठीक है, इसका क्या पर्पज है कि इसको हम यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। अब ये जो है ना, दिस इज टेकन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोटीएज है, अल्कलाइन फॉस्फेट है। अब इनके जो है ना डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ना, इट हैव मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी इंक्लूडिंग हेल्पिंग ब्रेक डाउन फूड फॉर एनर्जी एंड आर फाउंड इन सर्टन फूड एंड सप्लीमेंट्स। स्टडीज सजेस्टेड दैट दे कैन इम्प्रूव डाइजेशन डिक्रीज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, ठीक है। जो आपके पास नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन अ पर्सन ब्लड दैट हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन जो है उसमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन आर, ठीक है, एंजाइम जब रिएक्शन करता है तो वो क्या होते हैं, जब एंजाइम रिएक्शन करते हैं ना, सो दोज आर रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब ये कहाँ से पिक किया गया है, इसको पिक किया गया है बायोकेमिस्ट्री में से, जो आप प्रोटीन्स पढ़ते हो, ठीक है, प्रोटीन्स के आगे एक टॉपिक है लिपिड्स, लिपिड्स से आगे आपके पास क्या है, एंजाइम्स हैं, तो उन एंजाइम्स में आपको ये मिलेगा। सो डियर व्यूवर्स, ये था सारे एमसीक्यूज मैंने आपके लिए सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए ला रहा हूँ ऐसी ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, अदरवाइज नो नीड टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।